एक फूल की चार कविता हम लोग कर रहे थे। कविता में अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। मैंने आपको कहा था कि कविता आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उसे कविता समझकर नहीं कहानी समझ के पढ़ो। उसमें दो तीन चीजें हैं, महामारी के बारे में बताया है, सुखिया के बारे में बताया है, कौन थी एक छोटी सी बच्ची थी, कब बीमार हुई, महामारी के समय बीमार हो गई, उसके पिता उसकी देखभाल कैसे कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा उसकी देखभाल कर रहे थे उन्हें पता ही नहीं था कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर हुई, कब शाम हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद जब बीमार हुई तो सुखिया की दशा कैसी थी, बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी, शरीर के सारे अंग भी कमजोर पड़ गए थे, और उसकी क्या इच्छा थी, माता के प्रसाद का फूल लेने की इच्छा थी, माता के मंदिर का फूल नहीं, माता के प्रसाद का फूल लेने की इच्छा थी। उसके लिए पिता ने क्या किया, पिता मंदिर में गए और उन्होंने वहां से फूल लिया, लेकिन वे अपनी बेटी को दे नहीं सके। मंदिर का वर्णन किया हुआ है, हम सबको पता है कि मंदिर में वातावरण कैसा होता है। मंदिर का वर्णन है कि मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर है, वहां का दृश्य कैसा है कि दीपों और धूप की खुशबू आ रही है, माता के जय जयकारों से मंदिर गूंज उठा है, मंदिर के अंदर और बाहर आवाजें सुनाई दे रही हैं, उत्सव जैसा माहौल है और मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ है। सुखिया का पिता उसके लिए फूल क्यों ना ला सका, क्योंकि वहां पर उसे लोगों ने पकड़ लिया था, अछूत कहकर उसे सजा दे दी गई थी, 7 दिनों के लिए उसे जेल में डाल दिया गया था। जब सुखिया का पिता वहां पर माता के प्रसाद का फूल लेने के लिए गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, लोगों ने उसे पहचान लिया, उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उसे मारा पीटा गया, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, उसे न्यायालय तक ले जाया गया और उसे 7 दिन का दंड दिया गया, ठीक है। 7 दिन का दंड भोग कर जब सुखिया घर पहुंचा तब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसकी बेटी अब उसे पहले की तरह लेने के लिए नहीं आई है, उससे भागकर उससे मिलती थी, अब वह उसे नहीं मिली और ना ही उसे अपनी बेटी अब खेलती हुई दिखाई दी। जब सुखिया का पिता घर पर पहुंचा तो सुखिया की क्या दशा थी या सुखिया कहाँ थी, सुखिया की मृत्यु हो चुकी थी और उसके परिजन उसे जला चुके थे, क्लियर। जब सुखिया का पिता उसे फूल उस तक फूल ना पहुंचा पाया तो वे अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रहा था, वे अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था कि वह बहुत ही अभागी है जिसे माता के प्रसाद का फूल भी नहीं मिला। ओके, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से बनकर आएंगे, क्लियर। कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप वो भी कर सकते हो, और जब आप मंदिर के दृश्य का लिखोगे तो उसमें ये भी लिख सकते हो कि मंदिर के ऊपर सोने का कलश लगा था, उस पर जब सूरज की किरणें पड़ रही थी तो वह कमल जैसा लगने लगा था, क्लियर। कोई डाउट इसमें, नो, चलें आगे। ओके, बुक्स निकालो, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बैक के। इसके क्वेश्चंस देखो, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, रेज योर हैंड्स। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, आर्यन देखो, अब क्वेश्चन है बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की, उसको पता था कि मैं मरने वाली हूं,
आपने ये क्यों बोला कि बीमार अच्छी बच्ची की अंतिम इच्छा प्रकट की? अंतिम तो इसमें लिखा ही नहीं क्वेश्चन में, आपने अंतिम शब्द क्यों बोला? हम अपनी ओर से एक्स्ट्रा लिखते हैं तो नंबर कटेंगे, इसका आधा नंबर जाएगा। बीमार बच्ची ने इच्छा प्रकट की कि उसे माता के प्रसाद का फूल ला कर दिया जाए। सेंटेंस फॉर्मेशन देखो आर्यन, आपने आंसर बोला बीमार बच्ची ने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि उसे माता के मंदिर का फूल लाकर दो। लाकर दो गलत बात है, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। बीमार बच्ची ने इच्छा प्रकट की कि उसे माता के मंदिर का माता के प्रसाद का फूल लाकर दिया जाए। ठीक है, हमें आंसर आता है लेकिन हम गलत लिख रहे हैं। ठीक, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? रेज योर हैंड्स। यस लीजा, यस मैम, सुखिया के पिता पर एक अछूत होते हुए एक मंदिर में आकर उसकी पवित्रता और देवी माँ की गरिमा को नष्ट करने का आरोप लगाकर उसे उसे जेल में कैद में रहने का दंड दिया गया। ओके, अब लीजा आपने देखो क्या आंसर दिया। सुखिया के पिता पर एक अछूत होते हुए माता के मंदिर की पवित्रता, एक अछूत होते हुए, ये सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया। ठीक है, इसे आप सिंपल भाषा में लिखो, सुखिया के, और आपने लास्ट में बोला उसे जेल भेजने का दंड दिया गया। ये तो पूछा ही नहीं कि क्या दंड दिया गया, जितना क्वेश्चन पूछा उतना आंसर लिखो। ये तो पूछा ही नहीं कि क्या दंड दिया, सिर्फ ये पूछा है कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। सुखिया के पिता पर आरोप लगाया गया कि वह अछूत है, उसने मंदिर में आकर मंदिर की पवित्रता और माता की गरिमा को नष्ट किया है। सिंपल सेंटेंस लिखो, बिल्कुल ओके। हमें आंसर्स आते हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको फ्रेम क्यों नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन को फ्रेम करना भी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? गगन, एक मिनट। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राह के ढेरी के रूप में पाया। अस्थियां शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ, राख की ढेरी, उसके पिता ने उसे राख की ढेरी के रूप में पाया। देखो लास्ट में लिखा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। आएगा ही नहीं 3 नंबर में, ये क्वेश्चन 3 नंबर में कैसे आएगा? नहीं, हाँ अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को किस रूप में पाया, ठीक है, तो आंसर यही बनता है कि उसे राख की ढेरी के रूप में पाया। पहले तो वह उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी, जैसे वह पहले उससे मिलने आती थी वैसे नहीं मिली, पहले वह उसे खेलती हुई दिखाई देती थी उसे वो भी दिखाई नहीं दी, और उसने उसे राख की ढेरी के रूप में पाया। अगर 2 मार्क्स में आए तो, 1 मार्क में आए बस इतना, फिर नहीं लिखना कुछ भी। ठीक है, हाँ जी रमनीक, आंसर ही देना था। ओके फाइन, किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट एनीबडी?
नो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुखिया कौन थी और उसका पिता उसे बाहर जाने से मना क्यों करता था। सुखिया कौन थी और उसका पिता उसे बाहर जाने से मना क्यों करता था। ओके चल रही थी नी फैली हुई थी, चलती नहीं है फैलती है, ठीक है। सुखिया एक अछूत कन्या थी, हमें पता है ना कि अछूत व्यक्ति था वो, है ना। एक अछूत कन्या थी, आप ये भी लिख सकते हो एक छोटी सी बच्ची थी। अगर आप एक छोटी बच्ची लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। सुखिया एक छोटी सी बच्ची थी और उसका पिता उसे बाहर जाने से इसलिए मना करता था क्योंकि महामारी फैली हुई थी और उसके पिता को डर था कि कहीं वह महामारी की चपेट में ना आ जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीमारी में सुखिया की दशा कैसी हो गई थी। बीमारी में सुखिया की दशा कैसी हो गई थी। गुरजाप क्या बेटा, महामारी के समय सुखिया की दशा कैसी हो गई थी। और किसी को नहीं पता कैसी दशा हो गई थी वत्सल उसकी। वह और वह हिल नहीं पा रही थी, एक ही जगह लेटी हुई थी और उसके पिता की तो बात ही नहीं की हुई कि पिता को क्या हुआ या पिता हैरान क्यों हो गए या उसको देखकर पिता की क्या दशा हुई, ये तो पूछा ही नहीं। वह बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, उसका शरीर तप रहा था, उसे बहुत ही तेज बुखार था, उसका शरीर शिथिल पड़ गया था, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी या कंठ क्षीण हो गया था। अगर क्षीण कंठ याद नहीं रहता, कंठ क्षीण हो गया था तो उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी या बहुत धीमी हो गई थी और उसके शरीर के अंग कमजोर हो गए थे। कैसा हो जाता है बीमारी में इंसान, हमें जब बुखार हो जाता है तो हम कैसे हो जाते हैं, आवाज नहीं निकलती, कमजोरी हो जाती है, शरीर के अंग कमजोर पड़ जाते हैं और हम हिल नहीं पाते, ठीक है ना। बीमारी के कारण वह हिल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज धीमी हो गई थी और उसके शरीर के सभी अंग कमजोर हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखिया के पिता को पहचान लेने पर भक्तों की क्या प्रतिक्रिया हुई। मंदिर में जब सुखिया के पिता को पहचान लिया गया तो भक्तों ने क्या प्रतिक्रिया की। सुखिया के पिता को पहचान लेने पर भक्तों की क्या प्रतिक्रिया हुई। वे कहने लगे ओके ओके गुड।
सुखिया के पिता को पहचान लेने पर लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे कि यह अछूत मंदिर में कैसे आया। उसे मारा जाने लगा, पीट पीट कर उसे नीचे गिरा दिया गया। फिर उसे न्यायालय ले जाया गया, जहां उसे 7 दिन की सजा दी गई। न्यायालय के ये स्पेलिंग है। क्लियर? सुखिया के पिता ने भक्तों से क्या कहा? सुखिया के पिता ने भक्तों से क्या कहा था? ओके, हाँ जी ईवा। सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि क्या मैं माता से भी बड़ा हो गया जो मैंने माता की गरिमा कम कर दी। ओके, सुखिया के पिता ने भक्तों से कहा कि क्या वह माता से भी बड़ा हो गया है जिसने माता के गौरव को कम कर दिया है। नहीं, ठीक था वर्डिंग, आप कोई भी लिख सकते हैं। आंसर करेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, इररेलेवेंट आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट? इस चैप्टर में अभी भी, इस कविता में अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नो डाउट? ओके, कविता का केंद्रीय भाव कौन बताएगा? सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव, कविता का केंद्रीय भाव बताइए, सेंट्रल आइडिया क्या है? दोबारा ये कविता। ओके, छुआछूत की समस्या पर आधारित है। फर्स्ट लाइन, यह कविता छुआछूत की, सबसे पहले ना जब केंद्रीय भाव आए लिखने के लिए कवि का नाम लिखो। यह कविता सियाराम शरण गुप्त की रचना है जिसमें कवि ने छुआछूत की समस्या की बात की है। ठीक है, या यह कविता सियाराम शरण गुप्त की रचना है और यह कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। केंद्रित के ये स्पेलिंग है, केंद्रित। ओके, आगे। हमने पूरी कहानी नहीं लिखनी, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप पूरी कहानी लिखोगे। छोटा सा केंद्रीय भाव, छोटा सा, पूरी कहानी नहीं लिखनी इसमें। यह कविता सियाराम शरण गुप्त की रचना है, इसमें कवि ने छुआछूत की समस्या का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक छोटी सी बच्ची बीमार होने पर माता के मंदिर का प्रसाद मांगती है। जब उसका पिता मंदिर में प्रसाद लेने के लिए जाता है तो उसे पहचान लिया जाता है, उसे पहचान लिया जाता है क्योंकि वह अछूत है, इसलिए उसकी मार पिटाई की जाती है और उसे 7 दिन की सजा दे दी जाती है। जब वह छूट कर आता है तो उसकी बीमार बच्ची मर चुकी है और वह अपनी बेटी को राख की ढेरी के रूप में पाता है। और कहां लिखा है, कहां लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। पश्चाताप वो ये नहीं करता, आप ये नहीं लिखोगे कि वो पश्चाताप करता है, ये नहीं लिखोगे कि वो पश्चाताप करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मैं बच्ची को एक माता का फूल भी नहीं दे सका, कि मेरी बच्ची कितनी अभागी है। इसे हम ये नहीं लिखेंगे कि पश्चाताप करता है। ठीक है,
हम ऐसे लिखेंगे कि इसमें कवि ने बताया है कि हमारे समाज में किस तरह से छूत अछूत में और ऊंच नीच में ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है कि एक बच्ची जो माता के मंदिर का प्रसाद पाना चाहती है, माता के फूल का प्रसाद पाना चाहती है, अछूत होने के कारण वह उसे भी प्राप्त नहीं कर सकती। बिल्कुल ही 2 मार्क्स का है तो ये आंसर लिखना है। 3 या 4 मार्क्स का आ जाए तो आप लिखोगे कि किस प्रकार इसमें बताया है कि छूत छूत की समस्या आज भी हमारे समाज में पाई जाती है, यह कविता छूत छुआ छूत की समस्या पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक लड़की अपने पिता से माता के प्रसाद का फूल मांगती है, पिता लेने जाता है, लेकिन अछूत होने के कारण पहचान लिए जाने पर उससे मार पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है, और जब वह छूट कर आता है तो अपनी बेटी को खो चुका है। थोड़ा सा उसको बड़ा करके लिख सकते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने आंसर लिखना है। ओके, जो आपका जिस्ट है, जो मेन बात है, वो आपने पहले ही लिख देनी है। कवि का नाम और क्या समस्या है, वो पहले की 2-3 लाइनों में ही कवर कर देना। क्लियर? लास्ट में उसको पॉइंट अप करने के लिए बेशक 1 लाइन लिख सकते हो, लेकिन उसके बाद आंसर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। ओके, आई होप इस चैप्टर में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अभी तक हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं, किसी और को उनमें कोई डाउट? जो जो हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर्स, हमने हामिद खां पढ़ा था, दिए जल उठे पढ़ा था, ये अभी हम रिवाइज करेंगे। एक हमने गिल्लू चैप्टर रिवाइज किया था, गिल्लू में किसी को कोई प्रॉब्लम हो? श्योर? ओके, इस वेंसडे गिल्लू चैप्टर का टेस्ट है, मिक्स क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क 2 मार्क्स मिक्स क्वेश्चंस, गिल्लू चैप्टर का टेस्ट है। ओके, गिल्लू पार्ट, हाँ जी, वो आपको पता चल जाएगा जैसे भी होगा। ठीक है, क्लियर?